किशोरदा के घर पे घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो किशोरदा फोन उठाते हैं, वहां से पंजमदा फोन करते हैं, और वो कभी हेलो नहीं बोलते, वो बोलते हैं हाँ। तो किशोरदा को भी मालूम है, हाँ दोनों हाँ, ऐसे किया। तो फिर किशोरदा ने कहा, दादा कम टू द पॉइंट, आप असली बात बताइए, जेटा तुम्हें की बोलते चाहो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हार पोलाटा की कोर्चे, मतलब बंगाली में ये बोलते हैं तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त मगन हूँ। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों से मैं हमेशा बहुत प्यार करती हूँ। तो आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, वो तो मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक है, वाकई नज़दीक है, सच बात है। क्योंकि वो कहानी शुरू होती है भवानीपुर से, और आप सबको पता भी है कि मैं जो हूँ भवानीपुर की हूँ, कैलकटा की। तो कैलकटा भवानीपुर से जो कहानी शुरू होती है ना, वो मेरे दिल के बहुत 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 नज़दीक है। और ये कहानी तो बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है, क्योंकि जो मैं आप लोग को ये बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में बताने जा रही हूँ, वो बहुत 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 बेहतरीन सिंगर है ही, साथ साथ में उनका बहुत ही खूबसूरत हार्ट है, और एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार आइकॉन के बेटे भी हैं। और वो इस बात का कभी वो अपने आप को कभी ये जताते नहीं है कि मैं किनका बेटा हूँ। तो रुकिए रुकिए, बताती हूँ बताती हूँ, आगे आगे देखिए देखिए क्या होता है। जी हाँ, मैं अमित दा के बारे में बात करूँगी आज, श्री अमित कुमार गांगुली जी के बारे में। और वो इतने बड़े, इतने अच्छे सिंगर हैं, और मेरे बचपन से, ख़ास तौर से इनके जो गाने हैं ना, मतलब बहुत सारे गाने हैं जो मैं बचपन से बहुत पसंद करती हूँ और अभी भी पसंद करती हूँ। हाल ही में मेरी वापस मुलाकात हुई दादा से, रीमा के बर्थडे में, और बहुत सारे जो यादगार मोमेंट है ना, वो ताज़ा हो गया। और मुझे ऐसे लगा कि जो अमित दा के बारे में उनका जो ऑटोबायोग्राफी आप लोग ऑलरेडी जानते हो या सुन चुके हो या देख चुके हो, मैं अपनी जुबानी, अपने तरीके से, अपने अंदाज से आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो मैं अमित दा के बारे में कुछ बातें रखना चाहती हूँ जो कि मेरे बहुत दिल के नज़दीक है। हाँ, क्यों नज़दीक है? क्योंकि अमित दा की शुरुआत भवानीपुर से हुई है। और भवानीपुर में कैसे शुरुआत हुई, तो वो मैं कहानी शुरू करती हूँ। उनके जो मम्मी है रूमा गौर ठाकुरदा, वो रहती थी कैलकटा में, और किशोरदा रहते थे मुंबई में। किशोरदा उस टाइम पे बहुत ही बिजी प्लेबैक सिंगर में से थे, और बहुत सुपर सुपर हिट गाने दे रहे थे, और अमित दा जो है कैलकटा में मम्मी के साथ रह रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि उत्तम कुमार जी, श्री उत्तम कुमार जी जो भवानीपुर में ही रहते थे, वहाँ पे दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज हुआ था। और कैलकटा में दुर्गा पूजा मतलब आपको तो पता ही है, मस्ती, मजाक और इंटरटेनमेंट, और इंटरटेनमेंट के मामले में तो बंगाली लोग ना नंबर वन है, म्यूजिक के बारे में तो नंबर वन है। और ख़ास तौर से मैं अमित दा के बारे में बात कर रही हूँ कि अमित दा क्या करते थे कि भवानीपुर के गली गली में दोस्त लोग सब एक ग्रुप बना के, कुछ म्यूजिशियन साथ में, जैसे गिटारिस्ट हो गए, और कॉन्गो, ढोलक, तबला प्लेयरिस्ट हो गए, कुछ और म्यूजिकल जैसे कीबोर्ड वाले हो गए, उनके साथ मिलके उन्होंने एक छोटा सा ट्रूप बनाया था, और उनको लेकर वो शोज करते थे छोटे छोटे। तो उत्तम कुमार जी को पता चला कि किशोर कुमार का बेटा जो है अमित कुमार, वो गाना गाता है। तो उत्तम कुमार ने कहा, अरे अरे अरे, उसको पकड़ के लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। तो उत्तम दा को इतना बोलना बहुत बड़ी बात है, और ऑब्वियसली उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो किशोरदा के बेटे थे। और अमित दा ने सोचा कि सही है, मुझे तो यही चाहिए। तो दुर्गा पूजा में प्रोग्राम जैसे होता है हमारे बंगाली फेस्टिवल में, हम लोग शोज रखते हैं, इवेंट्स रखते हैं, और
कलाकारों को बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उस तरीके से कलकत्ता में भवानीपुर में उत्तम कुमार जी ने दुर्गा पूजा का एक इवेंट रख दिया, शो रख दिया। वहां पे अमित कुमार एज ए सिंगर उनको बुलाया गया। तो अब शुरू में तो अमित दा ने सोचा कि मैं 4-5 गाने गा लूंगा और बस मेरे मेरी मत मेरा खत्म हो जाएगा एंट्री। मगर जब वो पहुंचे वहां पे, उन्होंने ये सोचा कि छोटा कुछ होगा गेट टुगेदर, जब वहां पहुंचे और देखा कि इतनी ऑडियंस वेट कर रही है तो उनका डिसीशन चेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं, 5 गाने से तो नहीं चलेगा भाई काम, मुझे तो कम से कम 10-12 गाने से ऊपर ही गाना पड़ेगा। और जब शुरुआत हुई तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे गाने गा, और उन उन उस दौरान अमित कुमार जी जो है किशोरदा के ही गाने गाते थे, और आपको तो पता ही है किशोरदा के गाने कितने सारे हिट्स हैं। उनमें से अमित कुमार जी का जैसे हिट गाना है मैं झुम 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 झुमरू, इस तरीके से जिंदगी का सफ़र और बहुत सारे गाने, रूप तेरा मस्ताना, तो ऐसे जो सॉन्ग्स थे किशोरदा के, तो अमित दा वो गाना गाते थे। तो जब वो गाना उन्होंने वहाँ गाया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया ऑडियंस ने, और उत्तम दा भी बहुत खुश हो गए, उनको बहुत आशीर्वाद दिया। और जब अमित दादा ने प्रोग्राम ख़त्म किया और घर गए तो उनकी मम्मी दरवाजे पे खड़ी थी और कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम था गली के नुक्कड़ में, वो मैं करके आ रहा हूँ। अच्छा, तुम गाना गा के आ रहे हो, तो कहा हाँ। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अगले दिन किशोरदा को फोन लगा दिया। तो फोन किशोरदा ने उठाया और कहा है बोलो बोलो, तो कहा कि उनकी वाइफ ने कहा, अमित दा की मम्मी ने, कि अमित भी गाना गाने लगा है। तो ये सुन के किशोरदा तो बहुत खुश हो गए, कहा भेजो 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 इसको बॉम्बे भेजो भेजो भेजो। तो ऐसी कहानी शुरू हुई। फिर दादा बॉम्बे आ गए और किशोरदा के साथ प्रोग्राम्स करने लगे, जैसे किशोरदा जाते थे इवेंट करने के लिए। तो उस दौरान दादामुनि की बात ऐसी हुई कि किशोरदा वैसे तो बहुत हाई पेड आर्टिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज करते थे और म्यूज़िक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स देते भी थे, क्योंकि उनका गाना बहुत ही टॉप में रहता था हमेशा और सुपर हिट रहता था, और आज भी उसी गाने को हम बार बार सुनते हैं। तो दादा जब शो करने जाते थे तो वैसे दादा को इवेंट करना इतना पसंद तो नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मैं इवेंट नहीं करूँगा। तो दादा मुनि ने क्या कहा अशोक कुमार जी ने, अरे तेरा इनकम टैक्स का बिल कौन भरेगा। तो ये मस्ती के मूड में उन्होंने कहा, तो किशोरदा ने कहा हाँ हाँ ये बात तो सही है। तो उस दौरान अमित दा को लेकर साथ में वो शोज करने जाते थे, ट्रैवल करते थे जहाँ भी जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि किशोरदा बैठे हुए थे, श्री मन्ना डे जी भी बैठे हुए थे, क्लासिकल बहुत टॉप के सिंगर थे, आप लोगों को पता है उनका गाना लागा चुनरी में दाग, जैसे आप सभी ने सुना होगा, और किशोरदा बहुत मानते थे। तो वो बैठे हुए थे और साथ में बैठे थे हमारे मेरे फेवरेट पंचमदा, आर डी बर्मन जी बैठे हुए थे। और आर डी बर्मन जी के साथ जितना भी गाना किशोर कुमार जी ने गाया है सारे गाने सुपरहिट है। तो उनकी मीटिंग होती रहती थी अक्सर, रिकॉर्डिंग से पहले, रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ी चिट चैट कर लेते थे, थोड़ा वो लोग गेम खेल लेते थे, चेस खेल लेते थे। तो अमित दादा भी वहाँ बैठे हुए थे, तो श्री मन्ना डे जी बैठे थे और पंचमदा जी, तो वो लोग मीटिंग कर रहे थे। तो अमित दादा सुन रहे थे, तो इतने बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं और अमित दादा के लिए तो बहुत गर्व की बात होगी क्योंकि उनके डैडी किशोर कुमार जी हैं, तो लव यू दादा। तो बैठे हुए थे, तो ऐसा हुआ कि वहाँ पंचमदा ने बोला कि अमित भी गाता है ना, तो किशोरदा को कहा, तो किशोरदा ने कहा हाँ गा लेता है स्टेज पे मेरे साथ आता है, बोला अच्छा। तुरंत उन्होंने कहा कि बस दादा को बोला, अमित दादा को बोला तुम कुछ गाना सुना, गान सुना। तो अमित दा भी तैयार थे, तो उन्होंने गाना सुनाया मैं हूँ झुम 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 झुमरू ये गाना। तो जब उन्होंने गाया, दादा भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी सुना, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे चुपचाप बैठे रहे। तो किशोरदा के साथ जब अमित दादा वापस आ रहे थे घर, तो किशोरदा ने गाड़ी में कहा तोर किचू होबे ना, तुई तो रोज रिहर्सल्सो करिस ना, प्रैक्टिसो करिस ना, रियाज करिस ना। तो अमित दा बोले अरे क्या करना, मैं
तो बोला तुम सीरियस नहीं हो। अरे मैं सीरियस हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं सीरियस हूँ, मैं ऐसी ही हूँ बस। अच्छा एक काम करो, मुझे कलकत्ता भेज दो, मैं भवानीपुर में वो छोटे छोटे शोज करूंगा, उसी में मैं खुश हूँ, मुझे ये सब मतलब मुझे नहीं करना है। तो ये बोलते हुए गाड़ी में आ गए ट्रैवल करते हुए घर पे, और घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद शाम को क्या हुआ पता है? शाम को क्या हुआ कि फोन की घंटी बजी किशोरदा के घर पे, और उठाया किशोरदा ने फोन, ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो सामने से किसने कॉल किया पता है? पंचम दा ने, श्री आरडी बर्मन जी ने कॉल किया किशोरदा को। वैसे तो कॉल करते थे, एवरीडे बात करते थे, मगर ये स्पेशल कॉल था अमित दा के लिए। वहां से अमित दा का लाइफ चेंज हो गया। और जब कहा कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारा पोलाटा की कुर्च, तो कहा अरे वो सूचे, वो सो रहा है, दोपहर को खाना खाके सो जाता है बस, अभी अभी सो रहा है शाम को। तो बोला उसके लिए एक गाना है, मैंने सोचा है कल उसे लेके आ जाना स्टूडियो। सो यहाँ से शुरू हुई ये कहानी बालिका वधू फिल्म की, और ये गाना दादा के लाइफ के लिए एकदम चेंजिंग आ गया, एकदम लाइफ चेंज मोमेंट आ गया। और ये गाना हमेशा दादा बोलते हैं कि मेरे लिए एक ये गाना जो है, मेरे लिए ब्रेड बटर समझिए, मेरे लिए मेरी पहचान समझिए, और मेरे लिए ये गाना मेरी लक समझिए। ये आडिदा ही कर सकते हैं, और आडिदा ने ये गाना गवाया। 1974 में ये फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम है बालिका वधू, और ये दादा ने गाना गाया था। दादा को सबसे पहले ये गाना गाने का मौका मिला एज ए प्लेबैक सिंगर मेन अकेले में, और ये गाना था बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती नदियां ये रैना और ये गाना दादा की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। और उसके बाद एक के बाद दादा रिकॉर्डिंग करने लगे, बिजी हो गए, और उसके बाद जो कहानी हुई शुरू। तो मैं ये कहानी आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे अमित दा से मिलके इतना अच्छा लगा दोस्तों। मैं पहले भी मिल चुकी थी ऑलरेडी, मैंने गुजरात में उनके साथ शो किया उंझा गांव में, और वो काफ़ी साल हो गए उस बात को। दादा को मैंने याद दिलाया, उनको याद आ गया, और दादा ने कहा हाँ तुमने मेरे साथ परफॉर्मेंस किया है ऑलरेडी। तो दादा और सुमित थे, तो उनका था, उनके साथ मेरा अलग ट्रैक सिंगिंग था। तो उसके बाद हम लोग मिले थे रीमा के बर्थडे में, तकरीबन आज से 4-5 साल पहले की बात है। उसके बाद अभी हाल ही में रीमा ने अपने घर पे बर्थडे रखा था किशोर कुमार के बंगलों में, श्री गौरी कुंज में। तो वहाँ पे जब मैं गई और दादा से मुलाकात की और मैंने परफॉर्मेंस की, आप पिछले एपिसोड में आप देख सकते हैं जो रीमा के बर्थडे का जो मैंने एपिसोड डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दादा वी लव यू सो मच, और आपके दिल में सबके लिए इतना प्यार है, और आप जैसे हो आप बिल्कुल जेन्युइन हो, आप बिल्कुल कैसे प्योरिटी है, कोई शो ऑफ नहीं है। किशोर दादा से तो मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, बट मैं आपसे मिली हूँ, मेरे लिए सौभाग्य है आपके साथ काम किया है। और अगर ये एपिसोड रीमा देख रही है, दादा देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच रीमा, आपने बुलाया मुझे। और आने वाले टाइम पे ना मैं अगली बार आती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दादा की कहानी लेकर, आगे क्या हुआ, आगे उनके जो लाइफ में चेंजेस आए हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। सो एपिसोड को मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है, उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। एपिसोड को यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।